हाय एवरीवन, रिंकू किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गाजर का हलवा की रेसिपी शेयर करूंगी। शादी और पार्टियों में जो हलवा मिलता है वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। आज मैं हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा शेयर करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो गाजर को इसी तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम थोड़ा घी डालेंगे। घी जब हमारा मेल्ट हो जाए तब हम उसमें गाजर को ऐड कर देंगे और फिर उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छी गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ट्रिक यही है कि आप सबसे पहले घी में गाजर को अच्छे से फ्राई करें। हमारा गाजर अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम उसमें दूध को ऐड कर देंगे। दूध मैंने 1 केजी लिया है। 1 केजी गाजर के लिए 1 केजी दूध का इस्तेमाल करें और फिर उसे अच्छे से मिक्स करें। दूध मैंने मलाई के साथ ले लिया है और दूध को मैंने गाढ़ा कर लिया था, फिर उसमें मैंने ऐड करा और फिर उसे अच्छे से मिक्स करके ढक ढक के अब हम गाजर को पकाएंगे। जब गाजर में दूध अच्छी तरह से सोख हो जाए तब हम इसमें चीनी डालेंगे। 1 किलो गाजर के लिए मैंने 300 ग्राम के करीब इसमें चीनी ऐड करा है और फिर उसे भी अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे। जैसे ही हम चीनी डालेंगे देखिएगा गाजर का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और फिर इसमें मैंने इलायची पाउडर को भी ऐड करा और फिर उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर डालने से गाजर के हलवे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसलिए इलायची का पाउडर ज़रूर डालें। तो देखिए गाजर का हलवा हमारा कितना अच्छा कलर पकड़ रहा है। जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं तब आप इसमें रेड कलर वाला गाजर जो मार्केट में आता है उसी गाजर का इस्तेमाल करें, इससे गाजर के हलवे में अच्छा कलर आता है। और अब देखिए मैंने इसमें मावा डाल दिया है और थोड़ा सा बादाम और काजू को जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था उसे भी ऐड करेंगे और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए देखिए गाजर का हलवा यहाँ पर कितने अच्छे से ड्राई हो चुका है। गाजर का हलवा को कभी भी जब पकाएं तब उसे पूरी तरह से ड्राई कर लें, मॉइस्चर उसमें ज़रा भी नहीं रहना चाहिए, तभी गाजर का हलवा खाने में काफ़ी टेस्टी और अच्छा लगता है। तो लीजिए सर्दियों की फेवरेट स्वीट डिश बन करके तैयार हो गई है। सर्दियों के दिनों में गाजर काफ़ी अच्छे आते हैं, तो एक बार आप इस गाजर के हलवे को घर पर बनाकर ट्राई करना, देखना आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसी ट्रिक से बनाएंगे ना तो आपको ये गाजर के हलवे काफ़ी अच्छे बनेंगे। अब आप चाहे तो इसे हलवे के रूप में रख सकते हैं या फिर आप इसे बर्फ़ी की तरह शेप दे करके कट करके आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये खाने में काफ़ी अच्छी लगेंगी और गारंटी है कि आपको ये काफ़ी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो आप मेरे रेसिपीज़ को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें और आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।